तो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, तभी उसको अच्छा कंसीडर करा जा सकता है। एक दिन में ही घर सोल्ड हो जाते हैं, उससे $1,00,000 कम ही मिलेगा। तो फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए मैं यही एडवाइस करती हूँ, तो लोग 20% डाउन पेमेंट की तरफ क्यों भागते हैं, तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस मिल रही है तो क्यों ना ली जाए, है ना, क्योंकि उससे आपका क्रेडिट स्कोर हिट होगा। Hey everyone, welcome to Anchi Canadian Bloggers. मेरा नाम है निकिता और ये है जतिन। उम्मीद करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज हम आए एक बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, जिसकी हमें काफी सारी रिक्वेस्ट आई थी, तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो कनाडा में घर बाय करना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, जैसा कि आपने हमारे हाउस टूर वाली वीडियो में देखा होगा कि हमने आपको हमारा पूरा घर का हाउस टूर करवाया था। अगर आपने वो नहीं देखा है अभी तो ये वीडियो के बाद जाके जरूर चेकआउट करना कि हमारा घर कैसा है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो जब हमने वो हाउस टूर की वीडियो डाली, उसके बाद हमें बहुत सारे क्वेश्चन आए कि आपने घर कैसे बाय किया, कितने टाइम में बाय किया, प्रोसेस को कितना टाइम लगा और प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व था, किन किन चीजों का हमें ध्यान रखना होगा। तो आज हम उन्हीं रिक्वेस्ट के बेसिस पे ये वीडियो बनाने लगे हैं, जैसा कि निकिता ने आपको ऑलरेडी बताया ही है। तो सबसे पहली बात कि घर बाय करना सिंपल प्रोसेस नहीं है फ्रेंड्स, जैसा कि हम मार्केट जाते हैं और सब्जी बाय करते हैं, उसके लिए हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, लेकिन घर के लिए हमें काफी सोचना पड़ता है, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है जिसके लिए आपको काफी वाइजली सोच के समझ के फिर ही डिसाइड करना होता है कि कौन सा घर लेना है कौन सा नहीं लेना है। तो ये वीडियो तीन लोगों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो लोग कनाडा आने वाले हैं और एक दिन यहाँ आ जाएंगे और घर बाय करेंगे, या वो यहाँ आ चुके हैं और उनका ड्रीम है कि हमारे जैसे कि आपको भी एक घर बाय करना है, या कुछ लोग जो कि पैसे जमा करके बैठे हुए हैं और वो लोग देख रहे हैं अपने हाउसेस। तो उन तीन तरह के लोगों के लिए ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो घर बाय करने के प्रोसेस को जानने से पहले मैं आपको एक चीज, मतलब एक मेरा मैसेज आप सब लोगों के लिए, घर बाय करना इट्स नॉट अ रेस, ये रेस नहीं है कोई, सबकी अपनी डिफरेंट स्टोरी होती है, सब लोग अपने टाइम पीरियड से आए हैं, कोई कनाडा पहले आया, कोई कनाडा बाद में आया, तो दो साल पहले आया, कोई सात साल पहले आया, तो कोई रेस नहीं है, आपको स्ट्रेस नहीं होना है। यू शुड बी प्लान्ड कि आपको कब बाय करना है, आपका हाउस कहाँ पर बाय करना है, और आपके बैक हेड में हमेशा ये होना चाहिए आपको घर बाय जरूर करना है, क्योंकि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले स्टेप की बात करते हैं, आर यू रेडी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है, आर यू रेडी से मेरा मतलब ये है कि आपके माइंड में आपको पता है कि आपको घर लेना है, अगर आपकी फैमिली आप सोच रहे हो कि ग्रो करने वाली है आने वाले टाइम में, ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो, या आपकी फैमिली इंडिया से यहाँ पर रहने आने वाली है, तो आपको बिगर स्पेस चाहिए। और दूसरी बात ये है इसमें कि आपके पास इनकम स्टेबल है, कि जहाँ आप जॉब कर रहे हो बिजनेस कर रहे हो आपको एक स्टेबल इनकम आ रही है वहाँ से, और आपके पास डाउन पेमेंट है, आप उसको डाउन पेमेंट को देकर आप अपना घर ले सकते हो, तो यू कैन स्टार्ट लुकिंग फॉर योर हाउस। तो प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले इस फर्स्ट स्टेप में आपको एक और चीज का भी ध्यान रखना है, जो कि है DTI, जिसको बोलते हैं डेट टू इनकम रेशियो। तो वो आपकी 35% से कम ही होनी चाहिए, तभी उसको अच्छा कंसीडर करा जा सकता है। मैं एग्जांपल के लिए आपको बता देता हूँ कि अगर आपके मंथली डेट जो है वो $1,800 है और आपकी हाउस होल्ड इनकम $6,000 है, तो आपका DTI 30% बनता है, जो कि बहुत अच्छा है। अब मॉर्गेज लिमिट पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डलता है एक चीज का, वो है आपका कार लोन। अगर आपका कार लोन चल रहा है और आप मंथली $500 अपने कार लोन में पे कर रहे हो, तो आप मान के चलना कि आपकी मॉर्गेज पावर $1,00,000 से कम हो चुकी है। तो जब आप घर बाय करने जाओगे तो आपको जो पैसे बैंक देगा, जितने आपको मिलने थे कार लोन लेने से पहले, उससे $1,00,000 कम ही मिलेगा। तो अगर आप नहीं चाहते हो कि आपकी मॉर्गेज पावर कम हो, तो या तो आप चीप कार बाय करो जिसकी आप वन टाइम पेमेंट कर सको पूरी, या फिर आप पहले अपना घर बाय करो और उसके बाद कार बाय करो। और दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो है क्रेडिट स्कोर, जिसको बैंक बहुत सीरियसली लेते हैं। तो मेक श्योर करना कि आपका क्रेडिट स्कोर कनाडा आने से लेके ही अच्छा बिल्डअप होना शुरू हो जाए। उसके रिगार्डिंग यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी, वो आप चेकआउट कर सकते हो। सो फर्स्ट स्टेप की बात हो गई है, आपने जान लिया आप रेडी हो या नहीं हो, आपके पास इतना पैसा है या आपका माइंडसेट बना है या नहीं बना है। तो नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं, वो है अफोर्डेबिलिटी। आफ्टर डूइंग फर्स्ट स्टेप, नाउ यू आर फिजिकली एंड मेंटली अवेयर कि आपको घर बाय करना है। तो उसके लिए एक एग्जांपल है मेरे माइंड में, जब हम स्टोर पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि सब्जी लेने जाना है, तो हमसे कोई ये नहीं पूछता कि सब्जी के लिए आपके पास पैसे है या नहीं है, और जब आप घर बाय करने जाते हो तो आपसे वो जरूर पूछेंगे व्हाट इज योर अफोर्डेबिलिटी। बेसिकली वो आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी कितनी है, आप समझ रहे हो ना कि हम क्या बोलना चाहते हैं।
तो बैंक वाले जो है उस चीज से आपको जज करेंगे कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो। सो अफोर्डेबिलिटी पता करने के लिए आपको करना क्या है, आपको सिंपली बैंक के पास जाना है और प्री अप्रूवल के लिए अप्लाई करना है। तो उसमें होता क्या है, बैंक आपसे आपकी इनकम और आपके एक्सपेंसेस पूछता है जो आपको बताने होते हैं। उसके बेसिस पे बैंक डिसाइड करता है कि सपोज आपको 5 लाख तक की मॉर्गेज मिल सकती है और आप 1 मिलियन तक का घर लेने का सोच रहे हो या देख रहे हो, तो आपको 20% डाउन करना होगा जो कि $2 लाख होगा। तो उसके हिसाब से टोटल आपके पास $7 लाख ही होंगे। तो उस पॉइंट पे जाके आपको ये पता चलेगा कि आप 1 मिलियन का हाउस अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आपकी बाइंग पावर उससे कम है। तो फिर आप $7 लाख के बजट के अंदर ही घर देखने स्टार्ट करेंगे। अब प्री अप्रूवल के बेनिफिट्स क्या है, तो जब आप मार्केट में निकलते हो घर ढूंढने के लिए, तो आपका सेलर, आपका बैंकर और आपका रियलेटर तीनों लोग आपको बहुत सीरियसली लेके चलते हैं हर एक स्टेप पे। सो कनाडा की बात करें तो कनाडा में रियल एस्टेट मार्केट में बहुत कंपटीशन है, घर आज आया और कल निकल जाता है, इतना कंपटीशन है। तो अगर आपके पास प्री अप्रूवल नहीं है तो लोग यही समझते हैं कि आप सिर्फ विंडो शॉपिंग कर रहे हो, अभी आप फिलहाल इतने सीरियस नहीं हो घर लेने के लिए। लेकिन अगर आपके पास प्री अप्रूवल है तो लोग बहुत सीरियसली लेते हैं आपको और सेलर आपको इंस्टेंटली ही अपना घर दिखाने को भी रेडी हो जाता है। तो इसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड स्टेप, सेव फॉर डाउन पेमेंट। तो जैसा कि हमने लास्ट पॉइंट में एग्जांपल ली थी $5 लाख मॉर्गेज की, तो जिसपे आप 20% डाउन कर रहे हो, जिसका मतलब आप $2 लाख डाउन पेमेंट करोगे। लेकिन अगर आप 5% डाउन पेमेंट भी करना चाहते हो, आपके पास उतनी ही डाउन पेमेंट सेविंग्स में है, तो आप वो भी कर सकते हो। लेकिन उसके लिए कुछ स्पेशल क्राइटेरियाज हैं जो आपको फॉलो करने होंगे। तो उस क्राइटेरिया में सबसे पहली शर्त तो यही है कि आपका जो घर आप देख रहे हो वो $5 लाख से कम का होना चाहिए। तो अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि डाउन पेमेंट का फंडा है क्या। तो पहली एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज आप कोई कॉन्डो बाय करना चाहते हो बड़े सिटीज में जो इजीली $5 लाख के अंदर आ जाते हैं, आपको उसके लिए 5% डाउन पेमेंट करनी होगी, तो वो इस केस में $25,000 होगी। तो उस डाउन पेमेंट के बेसिस पे आप वो कॉन्डो बाय कर सकते हो। अगर मैं एक दूसरी एग्जाम्पल की बात करूँ कि आप कोई घर देख रहे हो जो कि $8 लाख का है, अब उसमें 5% डाउन पेमेंट आपको पहले $5 लाख पे ही होगी, बाकी के जो 3 लाख हैं उस पे आपको 10% डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू रूल्स। तो इन टोटल आपको 5 लाख के 25,000 अकॉर्डिंग टू 5% डाउन पेमेंट और बाकी के जो 3 लाख हैं उस पे 10% डाउन पेमेंट जो कि $30,000 बनते हैं, तो इन टोटल आपको $55,000 डाउन पेमेंट करनी होगी अगर आपको वो घर बाय करना है $8 लाख का। सो होपफुली आपको अब डाउन पेमेंट का प्रोसेस तो समझ आ गया होगा। अभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हम 5% डाउन पेमेंट कर सकते हैं, हमारे पास वो ऑप्शन है, तो लोग 20% डाउन पेमेंट की तरफ क्यों भागते हैं। उसका सिंपली रीजन यही है कि आपको PMI देना पड़ता है अगर आप 5% डाउन पेमेंट करते हो। PMI की फुल फॉर्म होती है प्राइवेट मॉर्गेज इंश्योरेंस। तो डाउन पेमेंट के साथ साथ आपको क्लोजिंग कॉस्ट का भी ध्यान रखना होगा जो कि अराउंड $2,500 होती है। जब भी आप बजट कर रहे हो घर बाय करने के लिए, तो आपको ये कॉस्ट भी कंसिडर करनी है अपने बजट में। लेकिन अगर हम 1 मिलियन के ऊपर के घरों की बात कर रहे हैं, अगर आपको वो घर बाय करना है, तो उसके लिए आपको 20% ही डाउन पेमेंट करना होगा, उसमें 5% या 10% वाला कोई रूल नहीं है। तो अब आपको अपनी चीजें इस हिसाब से प्लान करनी होगी ताकि आप बड़ी पेमेंट्स को भी सेव कर सकें, और उसके लिए आपको छोटी छोटी सेविंग्स का भी ध्यान रखना होगा, तभी जाके आप इतनी सेविंग्स कर सकते हो और घर बाय करने का प्लान कर सकते हो। सो नेक्स्ट स्टेप की बात कर लेते हैं, गेट ऑर्गेनाइज। अब आपको पता चल गया आपके पास सेविंग है, आपने माइंडसेट बना लिया आपको घर बाय करना है, तो आपको क्या करना है, प्री अप्रूवल के लिए आपको सारे आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जो कि आपको ऑर्गेनाइज करने होंगे, क्योंकि कनाडा में एक दिन में ही घर सोल्ड हो जाते हैं। तो आपको जो है प्री अप्रूवल करवा के रखना होगा, उसके लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज रखने होंगे। तो इस पॉइंट में एक टिप है जो हमने भी गलती करी और आपको बताना चाहता है, उसके लिए एडवाइस करना चाहता है, अगर आप अभी मूव कर रहे हो अपनी कंट्री से कनाडा में, तो मेक श्योर आप अपनी सारी सेविंग साथ में लेकर आओ। इसका फायदा ये होगा कि आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, जब आप यहाँ आ जाओगे तब मंगवाओगे कि हमने यही किया और हमें काफी टैक्स देना पड़ा उसका। तो अब आपने अपनी सेविंग्स कर ली है, अपने अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लिए हैं, अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, आपको शॉप अराउंड करना है डिफरेंट बैंक्स में जाके इंटरेस्ट रेट्स के लिए। तो इस पे सिंपली हमारा एक ही टिप है, लोग बहुत कुछ कहते हैं कि ये बैंक जाओ वो बैंक जाओ, लेकिन जहां पे आपको इंटरेस्ट रेट सबसे कम मिलता है उसी बैंक को कंसिडर करो। इसमें दूसरी बात यह है कि आपको ये कंसिडर करना होगा कि आपको फिक्स्ड रेट चाहिए या वेरिएबल रेट चाहिए, वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। तो इस बात के ऊपर हम आपको कुछ एडवाइस
एडवाइस नहीं करेंगे। मॉर्गेज एडवाइजर आपको अच्छा गाइड कर सकता है आपकी सिचुएशन के हिसाब से कि आपको फिक्स्ड रेट लेना चाहिए या वेरिएबल रेट लेना चाहिए। इसमें एक और बहुत अच्छा टिप है जो हमने मिस कर दिया था लेकिन हमें बाद में पता चला, वो है फॉर्म अप्रूवल। जब भी आप बैंक के पास जा रहे हो प्री अप्रूवल कराने, तो मेक श्योर कि आप फॉर्म अप्रूवल जरूर करवाएं। उसका सिंपली मतलब यही है कि आपका जो भी इंटरेस्ट रेट सेट होएगा उस टाइम पे बैंक के थ्रू, वो आपका सेट होएगा अनदर 6 मंथ्स के लिए। तो अगर इंटरेस्ट रेट अप डाउन भी जाते हैं लेकिन आपका इंटरेस्ट रेट वो ही रहेगा 6 मंथ्स के लिए, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं होगी। इसमें जॉब के रिगार्डिंग एक और टिप है, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट जॉब पे हो तो आपको 2 साल मिनिमम उस कॉन्ट्रैक्ट जॉब को करते रहना होगा मॉर्गेज अप्रूव कराने से पहले, क्योंकि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट जॉब पे कम टाइम हुआ है तो आपका मॉर्गेज अप्रूव होना मुश्किल हो जाता है, रेदर देन कि अगर आपकी वो जॉब काफी टाइम से चल रही है। लेकिन अगर आप फुल टाइम जॉब करते हो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको पता है कि आप हाउस बाय करने का प्रोसेस शुरू करने वाले हो तो अपनी जॉब्स चेंज मत करो, जिस भी जॉब में हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट जॉब हो चाहे फुल टाइम जॉब हो, उसी जॉब को कंटिन्यू करो, क्योंकि उससे आपके मॉर्गेज अप्रूवल पे काफी इफेक्ट पड़ता है। चाहे आप फुल टाइम से फुल टाइम में चेंज कर रहे हो, चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट से फुल टाइम में चेंज कर रहे हो, या चाहे आप फुल टाइम से कॉन्ट्रैक्ट में ही क्यों नहीं चेंज कर रहे हो। और इसमें एक हमारा और टिप है कि अगर आप हाउस बाय करने वाले हो तो कार बाय मत करो, क्योंकि उससे आपका क्रेडिट स्कोर हिट होगा और डेफिनेटली यू नीड अ लॉट मोर क्रेडिट स्कोर व्हाइल बाइंग अ हाउस। तो अब एक इंटरेस्टिंग स्टेप की बात करते हैं, टू फाइंड अ हाउस, जिसके लिए हमने इतनी सारी जो है स्टेप्स अभी तक करें। तो घर फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले कौन चाहिए होगा? रियल्टर। रियल्टर आपको क्यों चाहिए? क्योंकि वो आपकी हेल्प करेगा घर को बाय करने में, आपको घर फाइंड आउट करने के लिए, और काफी सारी चीजों में उनकी हेल्प होती है। इस स्टेप पे आपको पूरा का पूरा अपने रियल्टर के ऊपर जो है निर्भर नहीं होना है, आपको खुद का होमवर्क भी करना है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा एरिया अच्छा है आपकी लोकेलिटी में और आपको कहाँ पर अपना घर बाय करना है, किस तरह के घर आपको अच्छे लगते हैं, आपको कॉन्डो बाय करना है, आपको हाउस बाय करना है, 3 बेडरूम 2 बेडरूम, जो भी आपका बजट है उसके हिसाब से, और आपको क्या क्या फीचर्स चाहिए उस हाउस में, कौन से फीचर्स में आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको गैरेज चाहिए या नहीं चाहिए, तो आप वो चीजें देख सकते हो। उसके लिए आपका जो रियल्टर आपकी काफी हेल्प करेगा, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट अपने रियल्टर को जरूर बताओ ताकि वो आपको हेल्प कर सके वैसे घर फाइंड आउट करने के लिए। घर देखने के लिए ओपन हाउसेस काफी होते हैं कनाडा में, वहां भी जा सकते हो। मैं ये कहती हूँ चाहे वो घर आपके बजट में ना भी हो तब भी आप उस घर को देखने जाओ, ताकि आपको पता चले कि अच्छे अच्छे घर और बुरे बुरे घर कैसे होते हैं। हमने काफी घर देखे तो हमें पता है कि अच्छा घर और बुरा घर कौन सा होता है, चाहे वो हमारे बजट में नहीं भी था तब भी हम ओपन हाउस में जाके देख कर आते थे, ताकि आपको पता लगे कि जो घर आपके बजट में आज नहीं है वो कल को होगा, बट आप उसको देख के अपना ड्रीम हाउस इमेजिन कर सकते हो कि मेरे जो घर होगा उसमें ऐसी लाइट्स होंगी, ऐसी एंट्रेंस डोर होगा या ऐसा मिरर होगा, कुछ भी। वो ओपन हाउसेज होते हैं तो वहां जा सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, और आप अपनी रियल्टर से बोल सकते हो कि जो आपको घर अच्छा लग रहा है आप उसके अपॉइंटमेंट ले सकते हो और आप वो घर भी देख सकते हो। तो फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए मैं यही एडवाइस करती हूँ कि आप रियल्टर जरूर करो, पर अपना होमवर्क भी करो, जैसा मैंने आपको पहले बताया, दोनों अपना अपना काम करो। रियल्टर आपकी काफी हेल्प करता है, जैसे हम लोग फर्स्ट होम बायर है तो हमारे रियल्टर ने हमारे केस में हमारी काफी हेल्प करी। उसने हमें काफी चीजें बताई कि इस घर में ये प्रॉब्लम है, इसको हम ऐसे फिक्स कर सकते हैं, बट हमें था कि हमें कुछ इनोवेट नहीं करना क्योंकि हमारा फर्स्ट होम है, हमारी सारी इनकम वहीं पर जा रही है फिलहाल। आप लोग भी एक अच्छा रियल्टर चूज करो जो आपके फायदे के लिए देखे, ना कि खुद के फायदे के लिए। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि कनाडा में आपको इंडिया की तरह अपने रियल्टर को पैसे कुछ नहीं पे करने पड़ते, यहाँ पर सेलर को पे करना पड़ता है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सर्विस मिल रही है, तो क्यों ना ली जाए, है ना। तो चलिए, अब आपने अपना घर ढूंढ लिया है रियल्टर की मदद से, तो अब आपको ऑफर डालना, यही हमारा अगला स्टेप है, मेक एन ऑफर। पोस्ट कर लेते हैं कि आपको जो घर पसंद आया वो 5 लाख का है, आपको ऑफर डालना है, तो 10,000 कम या 10,000 ज्यादा भी डाल सकते हो। उसमें आप रियल्टर की एडवाइस जरूर लेना, क्योंकि उनको बहुत आइडिया होता है कि जिस एरिया में आप घर देख रहे हो उस एरिया में घर महंगे बिकते हैं या सस्ते भी बिक रहे हैं। आपके घर के हिसाब से वो और घरों का भी आइडिया लेते हैं कि वो घर कितने का बिका था 1 महीने पहले, तो उस हिसाब से आपके पैसे सेव भी हो सकते हैं। तो डेफिनेटली उनसे जरूर पूछना कि ऑफर में हम कितना प्राइस डाल लें। बाकी आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से तो जरूर डालो, ये नहीं है कि आप उसको नहीं बाय कर सकते उतने रेट पे और आप वो उतना ऑफर उनको दे रहे हो। जब आप ऑफर दे देते हो तो उसके ऊपर कुछ कंडीशंस होती हैं, जिसका सिंपली मतलब यही है कि 10 डेज का कूल ऑफ पीरियड होता है, जिसमें आपको बाकी के सारे काम करवाने होते हैं प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए, उस घर को बाय करने के लिए, जिसमें आपकी होम इंस्पेक्शन होगी, आपका मॉर्गेज कंप्लीशन प्रोसेस हो गया, जिसके लिए हमने आपको पहले ही बोला कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स ऑर्गेनाइज करके रखने हैं। यहाँ पे वो डॉक्यूमेंट्स काम आते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत कम डेज होते हैं उस प्रोसेस को कंप्लीट
डील करने के लिए। तो सेलर उसी बंदे को कंसीडर करेगा जिसके पास सब चीजें रेडी पड़ी हैं, प्री अप्रूवल करा रखा है, 10 दिनों में वो इंस्पेक्शन करा सकता है, मॉर्गेज का कंप्लीट प्रोसेस करा सकता है और 10 दिनों के अंदर अंदर वो फंड्स ट्रांसफर कर सकता है सेलर को। तो आपने घर बाय करने का सोच लिया, आपने सिलेक्ट कर लिया आपको घर कैसा बाय करना है, तो अब आपको क्या चाहिए, लॉयर फाइंड आउट करना है। जो यहाँ पर लॉयर है वही सब कुछ करते हैं पेपर वर्क, इवन जो बायर है सेलर है वो भी एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। इवन हमारे केस में भी ये हुआ था, सिर्फ हमें पेपर्स में नाम देखने को मिलता कि ये इंसान हमें बेच रहा है। तो जब आप लॉयर फाइंड आउट कर रहे हो तो आपका जो रियल्टर है या जो आपका मॉर्गेज एडवाइजर है उन्हीं के पास कोई ना कोई लॉयर्स होते हैं, आप उनसे एडवाइस ले सकते हो और उनसे कॉन्टेक्ट डिटेल्स ले सकते हो। इससे ये भी हेल्प हो जाती है, लॉयर्स यहाँ पर जो इजिली नहीं मिलते हैं, उनको भी होता है कि हमें अपना केस क्लोज करना है तो हम कोई अपना अच्छा लॉयर या वो रिकमेंड करते हैं और जिससे डेट्स भी जल्दी मिल जाती है, आपकी मनी भी सेव होती है। क्योंकि अगर वो रिकमेंड करते हैं तो आपको लाइक कह देंगे कि हम $100-$200 कम कर लेंगे, तो आपको $2,500 से लेकर $3,000 तक की क्लोजिंग कॉस्ट होती है, जिसमें आपका आता है कि आपकी लॉयर आपकी हेल्प कर रहा है सारा पेपर वर्क करने के लिए आपको घर बाय करने के लिए। तो अभी आपने देखा कि प्रोसेस कितना सिंपल है घर बाय करने का, हमने आपको कुछ ही मिनटों में समझा दिया और होपफुली आपने बाय भी कर लिया होगा घर। नहीं, हम मजाक कर रहे हैं, प्रोसेस काफी डिफिकल्ट है, काफी टाइम लगता है, आपको बहुत पेशेंस की जरूरत है, बहुत फोकस होने की जरूरत है। जब आप कनाडा आना प्लान कर रहे हो तब से लेके आप घर बाय करने का अपने माइंड में लेके चलो, उसके हिसाब से सभी स्टेप्स को एग्जीक्यूट करो ताकि आप बहुत इजीली 3 या 4 सालों में अपना फर्स्ट हाउस बाय कर सको जैसा कि हमने करा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता ही आपको 3 काम करने होते हैं मेरे फेवरेट, लाइक शेयर एंड कमेंट। तो हमें बहुत सारे लाइक्स दो, आपको एक ही काम करना है, आपको वीडियो देखनी है, लाइक करना है, और आपको कोई क्वेश्चंस हैं डाउट्स हैं तो आप कमेंट में आप पूछ सकते हो और हमें इंस्टाग्राम पे DM भी कर सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि और भी आने वाली न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सके, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि सबसे पहले आप तक वो वीडियोस पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।